नमस्कार दोस्तों, राम कलेश यादव दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा कि अपने गाय भैंस के पेट को देख करके हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि ये गाभिन है या नहीं है। आप लोगों को भी ऐसा अक्सर कमेंट आता रहता है, सर जी हमें इसके बारे में बताइए। जो प्राकृतिक तरीके से कुछ ऐसे भी किसान भाई प्राकृतिक यानी कुदरती तरीके से चेकअप करना चाहते हैं, वो डॉक्टर से चेकअप नहीं कराना चाहते, उनका भी इच्छा होता है कि हम जो अपने आप से कैसे उसका पेट को देख कर पता कर लें कि यह गर्भवती है या नहीं गर्भवती है। तो जो हम इस वीडियो में बताऊंगा, आपकी कोई भी गाय हो, कोई भी भैंस हो, देसी में हो या चप गाय हो या मुर्रा भैंस हो, कोई भी भैंस है, कोई भी गाय है, आप इस तरीके से चेकअप कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, कहीं अगर आप मिस कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो तरीका हम बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, बिल्कुल 100% है और यूनिक तरीका है, देसी तरीका है, घरेलू तरीका है। तो किस तरह से हमें इसे चेकअप करना है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मन में सवाल रहे तो कमेंट भी कर देना। जो हम आपको तरीका बताने जा रहा हूं, ये ध्यान रखना है कि जिस दिन आप अपने गाय को या भैंस को सीमन कराते हैं, सीमन कराने के दूसरे दिन, आपकी जब भी सीमन करा दे उसके दूसरे दिन सुबह में, जब आप अपने गाय और भैंस को चारा नहीं दिए हैं, बिल्कुल खाली पेट है, तब आपको करना क्या है, एक रस्सी लेनी है। लेकिन रस्सी ऐसी रस्सी लेनी है कि वो फैले ना, नहीं तो खींचने पर तने, तो उससे भी आपको नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल कंप्लीट रस्सी होना चाहिए, खींचने पर भी उतना रहे, ना खींचे तो भी उतना रहे, फैलना नहीं चाहिए। तो उस रस्सी को लेकर के खाली पेट से उनका जो है पेट को माप लेना है। ऐसे माप लेने के बाद आप लोग मिस्टेक वहीं कर जाते हैं जो रस्सी फैलने लगती है, कभी कभी तनने लगती है तो वहां पर दिक्कत हो जाता है। तो माप लेना है, मापने के बाद उस रस्सी को रख लेना है, फिर महीने महीने के बाद या डेढ़ महीने या दो महीने के बाद फिर आपको खाली पेट ही मापना है, जब उसे चारा ना खिलाए हों। अगर वो गाभिन होगी तो रस्सी ऐसे छोटी होती चली जाएगी, महीने बाद या डेढ़ महीने बाद या दो महीने बाद भी ऐसा जो है छोटी होती चली जाएगी, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये गाभिन है। अगर रस्सी उतने की उतनी रह जाती है तब आप एक अंदाजा लगा लेना कि वो गर्भवती नहीं है। लेकिन खास ध्यान रखना कि रस्सी जो है तनने वाली ना होनी चाहिए, जो खींचने पर फैल जाए।